सेवक को गुरु सदा तैयार, सिख की गुर दुरमत मल ही रहे, गुर बचनी हरि नाम चरै, सतगुरु सिख के बंधन कटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है, सतगुर सिख का हलत पड़त सवार, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार, गुरु का ग्रह सेवक जो रह, गुरु की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कछ न जनावै, हरि हरि नाम हृदय सत्य होवै, मन बिचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत वे। सलोक महला पंजवा, सतगुर पूरा सेवया दुखां का होए नाश, सतगुर पूरा पूरा सेवया दुखां का होए नाश, नानक नाम आराध्य है कारजिया वह रास, महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे ही, आनंद मंगल विश्राम, नानक सत जपिया सदा हर निमख न बिसरो नाम, पौड़ी तिनकी शोभा क्या गनी, जिने हर हर लद्धा, साधा सरणी जो पवै सो छुटै बद्धा, गुण गावै अभिनसिया जोन गर्भ न दद्धा, गुर पेठे अपार ब्रह्म हारि पाड़ बुझ समद्धा, नानक पाया सो धनी, हारे अगम अगथा, नानक पाया सो धनी, हारे अगम अगथा, सतगुरु पूरा सेवे दुखों का हुए नाश, नानक नाम आराध्या, नानक नाम आराध्या, कार्य आवै रास, कार्य आवै रास, कार्य आवै, कार्य आवै रास, कार्य आवै रास, कार्य आवै, नानक नाम आराध्या, नानक नाम आराध्या, नानक नानक नाम आराध्या, नानक नाम आराध्या, नानक
कारज आवै रास, कारज आवै रास, कारज आवै कारज आवै रास, कारज आवै रास, कारज आवै। मेरा देश है पातशाह निर्वाण, धन श्री गुरु साहिब जी उन्होंने पवित्र चरणों में प्यार दरबार आके सजे हुए गुरु रूप गुरु खालसा साथ संगत जी आया है। कृपा करो भी सारे फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद तुहाडे सारे भैणां भाईआं दा। मेरी बेनती प्रवान करके उठ के तुसीं नेड़े आके बैठ गए, भला होया। रल बैठे हैं, जुड़ बैठे हैं, असीं सोहणे लगदे हैं, चंगे लगदे हैं। बाहर जुड़ बैठन दे नाल साड़ियां सुरतियां जुड़न दे विच हैल्प होंदी है। यही तो असीं इत्थे करन वास्ते आए हाँ असीं जी आए। माणियो भाई साहब जी होरी, भाई आनंद सिंह जी प्यार नाल सानू शब्दां दा कीर्तन सरवण करवा के गए। तुझ बिन कवन हमारा, कैसी सुर सी शब्द दी, कैसी सुर सी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुहाडे तो बिना मेरा कौन कौन, तुहाडे तो बिना साडा कौन कौन। ऐ गल कितें ना सानू सदा याद रहे, तुझ बिन कवन हमारा। सानू दुनिया की तत्ती वाह नहीं लग सकती, लगी भी अजे तक इसे करके नहीं कि असी उहदे नाल जुड़े हुए हाँ। यह भी गल नाल है, दुनिया हैरान है, सारी दुनिया इस अलौकिक वर्तारे नूं वेख के ना दुनिया हैरान है। ये चमकन दमकन वाले खालसा जी सारे ब्रह्मांड विच चमकन दमकन वाले एवें थोड़े जे हैगे ने, पर इन्होंने कदी नहीं आखिया कि साड़ी होंद नूं खतरा है, कदी नहीं आखिया। वड्डी गिनती वाले बहु गिनती वाले बेचारे घबराए फिरते भी साड़ी होंद खतरे विच, खालसा जी ने कदी नहीं आखिया। की भेद है बड़ा, शायद उन्होंने भी ध्यान में यह गल ही हो गई कि सतगुरां ने इन्हां नूं समझाया होया है प्यार दे नाल करतार नाल जुड़े रहोगे, निश्चल अगम नारायण बचन निश्चल गुर सच्चा। करतार आप सदा अडोल है ते गुरु साहब दे बचन अडोल ने सदा, ते जेड़ियां सुरतियां उस अडोल बचन नाल जुड़ियां रहणगियां वह भी सदा अडोल है। माया डोलै बहु विधि मन लपटे उते संग, जेड़ियां सुरतियां माया दे नाल जुड़ियां हुईयां ने संसार नाल केवल जुड़ियां हुईयां ने वह डोलदियां ने। जेड़ियां बिरतियां करतार नाल जुड़ गईयां ने वह डोलदियां नहीं है। सतगुरु ने इस पावन शब्द में ऐसे सुंदर वचन आखे महाराज ने, 320 ते ये पौड़ी चौथी पातशाह जी पंजवें पातशाह जी महाराज जी गुजरी रात दे विच जो उचारित है नानक पाया सो धनी हरि अगम अगाधा अगाधा
जिन्होंने उस धनी पा लिया, परमेश्वर करतार पा लिया, अगम अगत पा लिया, हाँ जी तिन की शोभा क्यों गण साधा सरणी जो पवे सो छुट्टे बद्धा, गुण गावे अविनाशी जोन गर्भ न दद्दा। कितनिया ना रमजी गल्लां भी हैं, रमजां वालियां सीक्रेट भेद है, भाव है, पर किड्डे स्पष्ट स्पष्ट। बच्चों को बिठा लो प्यार नाल, जिन दे नाल आए ने बच्चे बिठा लो। गुरसिख परिवार भाई अरविंदर सिंह जी, बीबी कुलदीप कौर महान परिवार वालों अज दी प्रसाद पानी आदि की सारी सेवा की जा रही है। मेरी शुभकामना सतगुरु महाराज कृपा करो, करणदीप सिंह, अश्विन कौर, निर्वाणदीप सिंह, नवदीप कौर, अमरदीप कौर, वजेंद्र सिंह, हरमिंदर सिंह, सारे परिवार के सिरते करतार मेहर दा हाथ रख सदा। मेरा दे हाथ रखा इनकी व्याख्या की है, इनकी व्याख्या यह है जिहड़े सतगुरु महाराज ने दर्शाई है, आप कीती है, जिन्हां दे उपर ना करतार खुश हो, वाहिगुरु जी खुश हो, उन्हां दा सतगुरां नाल मिलाप होंदा है। जिन्हां दा सतगुरां नाल मिलाप होंदा है वो साडियां सुरतियां नूं करतार नाल जोड़ दिंदा है। लो अगली गल बन गई सारी, अगली गल बन गई सारी। खालसा जी का साजना दिवस आप मना रहे हैं, अज कुछ जिया ने कुछ पुरानिया ने गुरसिखा ने अमृतपान किया, खालसा पंथ खालसा चैप्टर शामिल हो। भाई रतन सिंह भंगू होर ने ना साढ़े इतिहासकार ने विद्वान बजुर्ग साढ़े हुए, उन्होंने आख्या कहते ने पहले दिन जदों यह वर्तारा वर्त्या उस दिन सतगुरां ने त्यार प्रत्यार करके ना रहतां बहतां दस के सारा कुछ फिर सारे ना डिकलेयर करते हुए कुछ वचन कीते। उन्हां कुछ वचनों विचों एक वचन यह सी, खालसा होवै खुद खुदा, जे खूबी खूब खुदा आए, आन न मानने किसी की एक सच्चे बेन पातशाह। फिर दुराहा में खालसा होवे खुद खुदा, जेड़े खालसा सन सजाया है ना रहत बैत जो दसी है, ये खुदा होवे खुदा। शरीर करके तो नहीं ना हो सकता हूं, हर के शरीर करके एक जुगती ना है, खालसा स्वरूप लगातार पुरे आ रहा है। असी इसलिए खालसे का जन्मदिन नहीं आखते क्योंकि जो जन्मता है वह दिनसला है, असी ऐं नहीं आखते, प्रगट होया जो प्रगट होया है वह प्रगट हो गया है। समय के नाल नाल किसी वेले अगे बदर आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, ये तो गल हो सकती, पर ज्यों त्यों है ना प्रगट होया। फिर कहते ने गुना करके ना एक खालसा खुदा हो ही खुदा, केवल एक खालसा खुदा वाला ही ना हो, एक खुद खुदा हो। खालसा शब्द का अर्थ किसी लिया जाता, वो खेती वो जमीन जिहड़ी केवल बादशाह दी है,
जिस दा मालक कोई जागीरदार नहीं, कोई होर व्यक्ति नहीं, जिसने बादशाह टैक्स देना है लेकिन जमीन नहीं बादशाह दी। जिहड़ी खालसा जमीन है उसके उपर किसी का कोई अधिकार नहीं होंदा। जिन्हों ना तुसीं शब्द होर सुने शामलाट, पिंडां दे विच जिहड़ी शामलाटां दी सरकारी जमीन है। देखो कमाल की बात है, सतगुरु महाराज शब्दों अर्थ किवें कमाल का देते हैं। सरकारां आखदियां सी ये जमीन खालसा है, तो सतगुरु महाराज कहिंदे ने यह गुरु के सिखां दा सिर तली ते रखण वाले का समूह खालसा है। जमीन नहीं, ये जन खालसा हो गया, जन जन समूह खालसा बन गया। पहली बार अर्थ हो शब्द नहीं पहली बार बनया, यह शब्द अर्थ गुरु कलगीधर साहब ने इस रूप से पहली बार किया है। यह सारा जो जन समूह है यह खालसा हो गया। तो खालसे की खूबी की आखिया, कहते ने यह केवल खुदा नाल जुड़िया होया। हुण आखिया कहन लगे खुदा नाल जुड़िया होया, पर असी यह चाहते हाँ कि यह केवल जुड़िया हुआ ही ना रहे, खालसा होवे खुद खुदा। अज भी असीं अरदास मंगते हाँ खालसे जी के बोल बल ले, बोलो जी वाहेगुरु। खालसा का बोल इन्ना बुलंद होवे, बाला होंदा है उच्चा, इन्ना बुलंद होवे जिस वेले खालसा कोई बोल बोले तो सारी दुनिया ना अड्डियां चुक चुक के सुने। खालसा का की हुक्म है, खालसे का की हुक्म है। साढ़े दाने इस गल मनते होंगे सन, कहते होंगे सन, अज भी कहते ने कई अंत होगा वो जो करेगा खालसा पंथ मंगिया। क्यों ये कुछ जुड़िया हुई सुरतियां वाले की जी बात है ना, जुड़िया हुई सुरत वाले उनकी बात कुछ अलग होंगी है। जे कि यह जुड़िया हुई सुरत ना होंदियां कितने जकरिया आए थे, कितने होर आए, हाँ जी, जिन्होंने कई प्रकार के दावे किए कि गए। खालसा जी चढ़ती कला में जो पहली बार बादशाह औरंगजेब के कन्ना दे विच बचन पिया ना भाई दया सिंह धर्म सिंह होर दे राही, जिस वेले उन्होंने आख्या भी अच्छा गुरु कलगीधर साहब ने भेजे ने सिंह ते लियाओ मिलिए, तो सिंह दरबार में हाजिर होए। तो दरबार उस वेले जिवें असीं हुण सजे बैठे इहो जिहा दरबार थोड़ा सी, औरंगजेब तख्त ते बैठा होया, उहदे दरबारी सारे बैठे होए, कुछ खड़ोते होए, तो खालसा अंदर आके तो बुलंद आवाज में आखदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सुनदिया होया पहला सवाल किया औरंगजेब ने, खालसा प्रगट हो गया? यह पहला सवाल सी औरंगजेब का, खालसा प्रगट हो गया? और मैं ना उस बंदे दी जिहड़ी जहीन होने वाली गल सी ना, जहीन होने वाली जिन कहते वेरी इंटेलीजेंट इंटेलीजेंसी जिहड़ी उसकी, मैं उस इंटेलीजेंसी की मैं दस दिंदा कि यह अर्थ तो साढ़े बच्चों बहुत ने अजे तक भी नहीं समझे खालसा प्रगट हो गया। इनके अर्थ की ने भला, वो जो फतेह गजाई गजाई गई ना उदो कहना खालसा प्रगट हो गया, कुछ समझ में आया ना उसमें यह की हो गया, मेरे राज प्रगट हो गया। सतगुरु ने समझाया, महाराज ने कहने लगे सतगुरु पूरा सेवे है दुखां का हो ए नास। सतगुरु पूरा सेवे है, तुसा ने सारे पाठ करने वाले हो ध्यान रखे हो, पाठ करते हो तुसी करया करो जरूर, साधारण पाठ सारे जारी रहना चाहिए है। एक नुकता है छोटा जिहा,
सतगुर दे राजे नू सियाही है, सतगुरु दे राही पूरा सेवे है। पूरा कौन होया? परमेश्वर करतार। सेवया तो पाव है सिमरया है। मैं बीती शाम भी बेनती कर रहा, सांझ सवेरे भी बेनती कीती है, गुरमत अनुसार सतगुरां दी दर्शाई होई मत दे अनुसार, जिन्हों असी अधिकर मर्यादा आखते हैं मर्यादा दे अनुसार, जेड़ा करतार नूं सिमरदा है दुखां का होए नाश। देखो साढ़े अंदर दे सारे जिहड़े दुख ने ना उन्हां दा नाश हो जांदा है। ते फिर अगली गलत बात की आखी उन्हें, नानक नाम आराध्य है। करतार नूं आराधन नाल कारज आवै रास। सारे कारज जिहड़े ने रास हो जांदे ने, सफल हो जांदे ने। हाँ, इत्थे उह सारे शब्द दा मैं लफ्ज ए वापस लैंदा, सारे नहीं, इत्थे कारज कारज आवै रास। कारज कहड़ा होया? बोलिया काके दे स्कूल पढ़न दा, काके दे विआह दा, या किसी होर कारोबार दा, किहड़ा कारज है? मनुखा जिंदगी दी सफलता दा कारज, मनुखा जिंदगी दी सफलता दा कारज। ऐ कारज रास हुंदा है जिस वेले असी करतार नाल जुड़ते हैं। हाँ जी, बंदगी कौन हो? बंदगी कौन हो? बंदगी वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी, वरना नहीं था वगरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। जे तू इस रस्ते ते मार्ग ते नहीं तुरेगा तो फिर तेन शर्मिंदगी का सामना करना पवेगा। कार्य तो रास होना नहीं। मैं ख्याली बातां नहीं करता, क्यों नहीं करता? सतगुरु महाराज ने ख्याली बातां नहीं कीतियां, अनुभव दियां बातां कीतियां। और अनुभव हुंदा है जो यकीन ते, जो सबूत ते आधारित हो, जो कमाई ते आधारित हो, उन्हों अनुभव कहिंदे। असीं कई वार सवाल जिहा कर दिंदे हां, तुसी अपना अनुभव तां दसो, अनुभव की होया? फिर जो तुहाडी जिंदगी दे तजर्बे ते आधारित है, जिस नूं तुसां ने साबत कीता होया, जिंदगी जिंदगी विच हंडाया होया है, ख्याली फलसफा नहीं है। इउं चलोगे ते जीवन सफल हो जाएगा। पही प्राप्त मानुख देहुरिया, हांजी गोविंद मिलन की ए तेरी परिया, और अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साथ संगत हांजी पाज केवल नाम। अगला बचन की तो ले, जिस सिमरत संकट छुटे आनंद मंगल बिसराम। संकट सारे जड़े ने वह टुट जाते ने, छुट जाते ने, कट जाते ने, कट हो जाते ने, और उहदी थां ते की आ जाता है? आनंद मंगल बिसराम, खुशियां ते टिका। दोवें गल्लां ही ना साढ़े जीवन विचों अक्सर माइनस हो जांदियां ने। मैं साढ़े सिर्फ इसलिए कह रहा किसी एक नूं पॉइंट आउट ना किया जाए, गल नहीं सोहनी लगती ना, असीं अपने आप नूं पूर्ण समझिए। साडियां सुरतियां किन्नियां कु टिकियां होईयां ने, किन्ना कु विश्राम है साढ़े अंदर। दिन रात असीं पढ़ते रहने, थिर कर बै सुवरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे गाए सुवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। घर विच आउण वाली गल कित्थे खड़ोती हुई है? ना आनंद मंगल होया तो सतगुरु ने आख्या करो, नानक जपिया सदा हार, निमक न बिसरो ना। एवें ही करोगे तो टिकोगे, एवें ही करोगे तो आनंद मंगल होएगा,
ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਪਾਉੜੀ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਾਰ ਹਾਰ ਲੱਧਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਨੀ ਹਾਰ ਹਾਰ ਲੱਧਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁੱਟੈ ਬੱਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਛੁੱਟੈ ਬੱਧਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਪੜ ਬੁੱਝ ਸਮੱਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਭੇਟਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਰਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਖਿਲਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਿੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਖਿੰਡਦੀਆਂ, ਜੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਓ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂ ਅਗਾਂਹ ਜੁੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨੀਆ ਰਕਮ ਅਗਰਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੇਵਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਬੈਠੋਗੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ। ਔਰ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਣੀ ਯੋਗ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ।